राजेश भाई ओपन द डोर, वरना मेरी नर्म सांसें कहीं बंद ना हो जाए। गेट खोलिए राजेश भाई, वरना भाभी। अरे बेल बजाते बजाते कितना बोलता है ये। एक मिनट रुक जाओ, स्टेज कंपेयर क्या? नो बंधु, ओ माय गॉड, आई स्वेयर डैडी, मैंने ये नहीं किया। राज, कमरे का हाल देखोगे ना तो साबित हो जाएगा कि ये लंगूर कब से अंदर ही था। कमरे का हाल मतलब? मतलब पूरे कमरे में इंक्लूडिंग बेड पे रंग ही रंग हैं। वो गुलाल, लाल, पीले, हरे, नीले, सारे रंग बेड पे। अथर्व, डैडी मैं वो फोटो निकालने गया था, पर मैंने पोछा भी मारा था। हाँ, पोछा मारा था ना तुम्हारी इस नई शर्ट से। हाँ, मेरी नई शर्ट। अथर्व, ओ हेलो, मेरी तरफ भी तो देखिए। देख रहे दक्कू भाई। और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वागले परिवार की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें अथर्व का कोई हाथ नहीं है। तो फिर मेरा मुंह काला किसने किया नींद में? और ये टाइप लेटर भी देखे गया, वार्निंग लेटर, ये देखिए, पढ़िए वरना भाभी आप पढ़िए। मुझे भी आता है पढ़ना। आता होगा पर इंग्लिश में है। पढ़िए वरना भाभी, लीजिए पढ़ो। If you allow Holi, I will paint everyone's face black. देखिए वन्ना भाभी, हरकत करने वाले ने साफ साफ धमकाया है कि अगर सोमवार को किसी ने साईं दर्शन में होली खेली तो वो उसका मुंह काला कर डालेगा। लीजिए। राज, हमें पता लगाना पड़ेगा ये जाति किसने की है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, इस तरह से धमकी भरे खत लिखना, दक्कू भाई का मुंह काला करना। हाँ मन्ना भाभी, इसे देख के एक सुरीले टंग ट्विस्टर भी सूझा है। सुनिए, काले काले कोयले जैसे काले रंग से किया मेरा कोमल कोमल कुंवारा मुंह काला। काले काले मुंह के अंदर कुड़कुड़ करती जबान पे मारिए ताला। अरे क्या मौका मिलते ही आप अनाउंसर गिरी और टंग ट्विस्टर शुरू कर जाते हो। मुंह धोइए ना अपना। राजेश बाबू, तिवारी जी ने मुझे बताया कि तुम 6:30-7 बजे तक ऑफिस से आ गए थे। मैं मम्मी के यहाँ गया था। हाँ हाँ हाँ, और जब मैंने माँ से क्रॉस चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं गए थे। और जब तुम घर आए और मैं अथर्वा की शिकायत कर रही थी तब बज रहे थे 7:40, तो जो बीच का 1 घंटे का गैप है तब तुम कहाँ गए थे? तुमने क्या मेरा इंट्रोगेशन शुरू कर दिया? कहना क्या चाहती हो तुम? तू हंस रहा है, हंस रहा है? ये रंग मेरे तेजस्वी चेहरे पे ग्रहण लगा के अमावस का चांद बना बैठा है और तू है कि चुप है जोशीपुर है। वरना अभी मैं तो इस बार होली खेलने वाला हूं। अरे मारे को किसी का डर नहीं है, आने दो उसको मारा मुंह काला करने। पहले तो मैं उसका हाथ तोड़ूंगा, फिर उसकी टांग तोड़ूंगा, फिर उसकी टूटी हुई टांग उसके टूटे हुए हाथ में दे दूंगा। हर्षद हर्षद, एक मिनट, आप ना अपने साथ ये लीजिए और भी कुछ देती हूँ मैं आपको। कहाँ गया ये पेपर स्प्रे? पीछे की चेन में होगा। ज्योति भाभी, थैले की जगह थैला लेकर घूमिए ना आप। क्या क्या निकल रहा है अंदर से बंधु? और वो गिफ्ट क्या है ज्योति भाभी? पता नहीं, कुरियर से आया है। लगता है मेरे दूसरे नंबर वाले भाई ने होली का गिफ्ट भेजा है। उसे आदत है ऐसे सरप्राइजेस देने की। होंगे 10-15 लाख के बिस्किट इसके अंदर। 10-15 लाख के बिस्किट खाते हो आप लोग? नहीं नहीं राजेश भैया, खाने के बिस्किट नहीं, सोने के बिस्किट, सोने के। एक मिनट, मेन बात पे आते हैं। अर्शद, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, अगर तुझे होली खेलनी है तो अपने घर पे खेल सकता है, लेकिन बिल्डिंग के किसी भी प्रमाइसेस में, कॉरिडोर में, गार्डन में होली खेलना निषेध है। मतलब मैं सहमत हूँ दक्कू भाई आपसे इस बार। इनफैक्ट इस बार ना मैं बोलूंगा कि रूल्स मतलब रूल्स, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स। नो 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 नो, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। अगर मैंने बोल दिया कि जो नहीं फॉलो करेगा वो फूल, तो क्या पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी? क्या वेरी फनी। और हर्षद भाई देखिए, होली खेलने का उत्साह हमें भी उतना ही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए अलग अंदाज से भी तो होली खेली जा सकती है ना।
अरे लेकिन भाभी, आई अग्री कि ये जिसने भी हमें ये ऐसे डराने की कोशिश की है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है, लेकिन अब फैंटास्टिक आइडिया है बंधु, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्या जबरदस्त आइडिया दिया तुमने। एक काम करते हैं, हम लोग होली खेलेंगे लेकिन सिंबॉलिकल होली खेलेंगे, क्या प्रतीकात्मक होली? देखो अंदाज अलग होगा, रंग होंगे लेकिन एक दूसरे पर नहीं डालेंगे, लेकिन चारों तरफ रंग ही रंग होंगे, ऐसी रंगारंग होली। देखो भाई, वाह वन्ना भाभी, क्या भव्य सुझाव दिए आपने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।